नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। धनबाद के बरवाड्डा में आज झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति बरवाड्डा जोन की बैठक हुई, जहां बरवाड्डा जोन के दर्जनों जेवी केएसएस के सदस्य मौजूद थे। बैठक में प्रखंड से पंचायत स्तर तक संगठन विस्तार व झारखंडी जन भावनाओं के अनुरूप कार्य करने पर चर्चा की गई। नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं बरवाड्डा में मौजूद हूं, जहां झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के बरवाड्डा के तमाम लोग मौजूद हैं। इस बार झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति जो है प्रखंड स्तर से लेकर गाँव स्तर तक संगठन विस्तार को लेकर पुरजोर तैयारी में जुटी हुई है। हाल में ही बरवाड्डा जोन में झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति में बरवाड्डा जोन के अध्यक्ष हरेंद्र रजक को नामित किया गया है। आइए उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। आप मेरा शुरू से ही एक ही भावना रहा है, झारखंड के हित के लिए। मैंने पार्टी ज्वाइन किया था जेबीएम, तो झारखंड के हित के लिए हम लोग कर रहे थे, लेकिन उसके बीच में बाबूलाल जी हमारे चले गए बीजेपी में, तो मूल रूप से हम लोग बीजेपी छोड़ के अब आज हम झारखंडी पार्टी में जे बी के एस में अपना योगदान दिए हैं। और उन लोगों ने देखा कि क्या कार्यशैली मेरा रहा है नहीं रहा। आज कल ही हम लोग को लिस्ट जारी हुआ है, बरवाड़ा जोन का अध्यक्ष में हमको मनोनीत किया गया है। तो तमाम हमारे उच्च अधिकारी पदाधिकारी का आभार हम हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूँ जे बी के एस के सुप्रीमो एवं हमारे उच्च अधिकारियों को कि पूरा तन मन धन से बरवाड्डा जोन के पूरा राज्य में अपना परचम लहराएंगे और बहुत जल्द हम लोग ताकत दिखाएंगे कि हमारा झारखंडी शक्ति क्या है और झारखंडी का क्या औकात और क्षमता है। और जो हमारे यहाँ से जो लूट के ले जा रहा लूट लूटने नहीं देंगे। हम लोग जाग चुके हैं, झारखंडी युवा जागे हैं, अब सबको भगाना है और झारखंडी सिर्फ झारखंडी राज करेंगे। बताइएगा कि हाल के दिनों में ऐसे में संगठन जैसे देंगे बूथ स्तर पर, पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर कैसे लोगों को कन्वेंस करेंगे। लोग जो है पुरानी पार्टियाँ या पुरानी पार्टियों की भावना पर जागरूक हो चुका है। हमारे सुप्रीमो जयराम दास जी ने आज 2 साल से इतना ही बेहतर गांव ग्राम में जाके अपना जो दिया है ना लोगों को कन्वेंस किए हैं। तो झारखंडी युवा जाग चुके हैं और हम लोग पंचायत स्तर से बूथ स्तर से सब हम लोग लगे हुए हैं। इस बार लोकसभा सीट भी लेंगे और विधानसभा सीट भी लेंगे। हम लोग की तैयारी बहुत जोर शोर से है और झारखंडी हम लोग जो है झारखंडी पार्टी जे बी के एस का अभी सुप्रीमो जो है मुख्यमंत्री हम लोग बनाने के लिए भी जान लगा दिए हैं। और इस बार 2025 में जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें हम लोग को मूल रूप से सुप्रीमो को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। आज जो बैठक हुई है क्या चर्चा? चर्चा इसलिए कि 4 तारीख को हम लोग का बहुत बड़ा जनसभा होने का ऐलान हुआ है हमारा सुप्रीमो द्वारा खानी में, तो उसी का एक परिचय ये कर रहे हैं कि हम लोग भी झारखंडी युवा जागे हैं तो अपना ताकत दिखाना है, क्योंकि उस दिन स्थापना दिवस भी है, नेशनल पार्टी का भी आगमन है। तो हम लोग अपना भी ताकत दिखाएंगे कि हम लोग झारखंडी अपना झारखंडी हित के लिए क्या है नहीं है उस चीज़ दिखाने का एक ऐलान किए हैं। और गांव कस्बों में जाकर सबको बताना है, इस बार जागे हैं तो पूरा बढ़िया से जागना है और जवाब देना उस बाहरियों को, क्योंकि ये बाहरी और भीतरी का झगड़ा हो रहा है। तो बाहरी और भीतरी का झगड़ा हो रहा है तो हम लोग झारखंडी हैं तो बाहरी को ऐसे ऑटोमेटिक रहने खाने के लिए किसी को मना नहीं कर रहे हैं, तो रहो खाओ वही बताने के लिए वो ऐलान किए हुए और दिखाना है, वही ताकत हम लोग दिखा रहे हैं और गांव कस्बों में जाएंगे और बताएंगे। इसको राज चलाने का जानकारी के रूप में क्या चलाएंगे? हाल में देखिए क्या हाल, वो अपने आप को नहीं बचा पा रहे हैं तो जनता को क्या बचाएंगे? देखिए टाइगर जयराम दास को देखिए, पूछिए राजनीति से लेकर आप लोग युवा है, क्या लगता है परिवर्तन होगा? बहुत भयानक,
वो बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और आप यूट्यूब बाकी सारे चैनल में आप देख सकते हैं इनके क्या प्रदर्शन है। इनका फैन फॉलोइंग इतना बड़ा है कि झारखंड में नहीं अदर स्टेट में भी जाके आप देखिए तो जयराम दा का वीडियो आपको मिलेगा इसको लोग फॉलो कर रहा है। हम लोग का पहाड़ी लड़ाई भी हम लोग का अधिकार है यहाँ का झारखंड का आदमी का अधिकार जो जैसे कि मेरा घर है आप किराए पे और आप बोल रहे हैं मेरा घर वो नहीं होगा मेरा घर है तो मेरा है आप किराया दे रहे बड़दार है आप मेरा घर कहीं पा सकते हैं जो यहाँ का 75% या झारखंड झारखंड के बच्चों को नौकरी मिलना चाहिए वो नहीं मिलता और 25% ही मिलता है बाकी 75% बाहर क्योंकि यहाँ जो उच्च अधिकारी है जो पद पे बैठे हुए हैं सारे बाहरी बैठे हुए यहाँ का सांसद बाहर ही बैठा हुआ अगर यहाँ का सांसद यहाँ लोकल रहता तो आज देवघर नहीं जाता और जो हवाई अड्डा है वो भी देवघर नहीं जाता। हम लोग को धनबाद से अब अगर दिल्ली जाना है तो हम लोग को देवघर जाना है धनबाद में हम लोग सब कुछ नहीं है। इसी लड़ाई को लेते हुए हम लोग सब जो युवा मोर्चा है पूरा पूर्व परिवर्तन बैठक में सभी लोग शामिल थे और सभी युवा थे। युवाओं का कहना है कि युवा राष्ट्र बदल सकता है देश बदल सकता है और युवाओं की शक्ति एक अपार शक्ति होती है। युवा पूरी तरह से मन बना है कि हम लोग हर तरह शक्ति का काम करेंगे काम को ले जाने का काम करेंगे। झारखंड हक अधिकार की बात हो तो झारखंड हक अधिकार के लिए जो हनन होगा कतई बर्दाश्त नहीं होगा। नमस्कार।